आपसे पहले जो बीजेपी के एक जनरेशनल चेंज आ गया जब से आप आए हैं उससे पहले चाहे प्रमोद महाजन जी हों या फिर गडकरी जी हों उन सबका ठाकरे परिवार के साथ बहुत ही ग, मतलब एक घनिष्ठ संबंध था लेकिन आप देर इज़ अ लॉट ऑफ बिटरनेस आप में और ठाकरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ कब हुआ नहीं बिटरनेस तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ हद तक ये बिटरनेस आई 2019 के बाद ही उससे पहले तो नहीं थी मैं तो उनके घर जाता था वी शेड वेरी गुड रिलेशन देखिए मुझे इस बात का ही दुख है जो मेरे मन में सबसे बड़ा दुख ये है कि हो सकता है कि पॉलिटिकली आपको ये लगे कि वी शुड पार्ट वेज आप फोन लेकर कह सकते हो ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं देवेंद्र जी मेरा विचार अलग है मैं अलग जाना चाहता हूँ नहीं किया उन्होंने फोन ही नहीं लिया पांच साल तक आधी रात को आप जिसको फोन करते थे और आपने आधी रात को फोन किया तो भी जो रिस्पॉन्ड करता था उस व्यक्ति का आप फोन ही नहीं लेते हो आपके पीए कहते कि नहीं साहब नहीं बात करेंगे तो ये चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी आत्मसम्मान हो उस व्यक्ति के लिए दुख की बात है तो पर्सनल वेंडेटा हो गया आपके लिए नहीं वेंडेटा नहीं है जी दिस दिस, दिस नो बदला नहीं लिया आपने पर्सनल नहीं देखिए मैंने कहीं बोल दिया था बदला शब्द लेकिन वो मुझे सूट भी नहीं करता शब्द भी गलत था तो मैं नहीं मानता बदला हाँ ये बात जरूर है कि रिटेलिएशन तो करना ही था किया मैंने रिटेलिएशन वर्बली भी हो गया ना आपने कहा कि करप्शन चार्जेस डाल दिए उद्धव जी की वाइफ के ऊपर उन्होंने कहा कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस तो आ, मतलब लोगों के लिए तो ऐसे लगता है ना कि सरकार चाहे जिसकी भी हो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ही फेंकते हैं देखिए मैंने उनकी फैमिली के बारे में कभी नहीं कहा नेवर नेवर इन माय लाइफ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो होती है ना इसमें एक हद अपनी में तय कर लेता हूं लेकिन वो मुख्यमंत्री थे उनको ये समझ में आना चाहिए कि चार्जशीट में जो चीजें मेंशन की है वो कोई लीक चैट्स नहीं है जो पुलिस के सुपरविजन में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बताने के बाद भेजे हुए मैसेज है जो पुलिस डायरी में एंटर है जो एफआईआर के बाद के है और उसके कारण अपराधी पकड़ा गया उसको ल्यूअर किया गया उसका आधार लेकर वो अगर मेरी फैमिली पे बात करते हैं इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया देखिए मैं मैं आज भी कहता हूँ मैं शीशे के घर में नहीं रहता इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया मेरे बारे में मेरे पत्नी के बारे में मेरे परिवार के हम, एक चीज आपके पास हो एक चीज मैं चैलेंज देता हूँ पब्लिक में लाकर दिखाई क्योंकि राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी हमने कुछ एथिक्स पाले हैं और मैं तो यह हमेशा साफ शब्दों में कहता हूं मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में राजनीति में तभी कॉम्प्रोमाइज किया है और उतना ही किया है जितना आवश्यक है जैसे अजीत पवार के साथ में गया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज मैंने किए हैं क्योंकि उस समय जिंदा रहने के लिए वो आवश्यक है बाकी पॉलिटिक्स में मुझे एथिकल पॉलिटिक्स ही करनी है मैंने एथिकल पॉलिटिक्स ही सीखी है मैं वही करूंगा लेकिन ये जरूर है आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन मुझे जब ध्यान में आता है कि मैं मर गया पॉलिटिकली तो मैं एथिकल पॉलिटिक्स नहीं कर सकता जिंदा रहना पड़ेगा जिंदा रहूँगा तो वजूद रहेगा तो इसलिए मैं उस प्रकार के पॉलिट इसीलिए मैंने ओपन चैलेंज उद्धव जी को दिया है और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं किसी के अफेयर्स में घुसता नहीं हूँ और घुस गया तो छोड़ता नहीं हूँ अब मेरा पॉलिटिकल इतिहास देखिए मैं मैंने आरोप लगाया और मैंने पीछे लिया ऐसा कभी नहीं हुआ है तथ्य के आधार तथ्य के आधार मैं कागज लेकर ही बैठता हूं बिना कागज के कभी नहीं बैठा आज इतने मंत्री मेरे कारण जेल में गए मैं तो विपक्ष में था वकील है इसलिए नहीं स, मेरे मेरे जीवन में मैंने ये बिल्कुल मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको पॉलिटिकल लाइफ से मैं उठाऊ ये मुझे नहीं पड़ता है हाँ मेरे पास तथ्य तो मैं तथ्य के आधार पर जरूर आरोप लगाता हूँ